हाय गाइस, तो मैं आपका ओपन दोस्त रोस्ट आज बता दोस्तों आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और पीछे आ रहे मेरे एक रोटिया यार। और भी कैसा है? बढ़िया ब्रो, बढ़िया। और भी संतोष है? तेरी भाभी है कैसी है? तो भाई बात ये है कि कल है महाशिवरात्रि, बम बम भोले, बम बम भोले। तो हम लोग जा रहे हैं लास्ट दर्शन करने और तो भाई लोग बहुत पैसे मेरे पास, एक ये फोन, एक मेरे जेब में फोन और एक ब्लॉग के लिए फोन, पैसा बहुत है मानी मेरे। तो भाई ये आ गए हैं संतोष के बाप के पेट्रोल पंप पे टैंकी फुल कराने के लिए। बहुत पैसा है क्योंकि हमारे पास पंप तो बंद है। संतोष भाई खुलवा तो सही। और भी कैसा है? गाली देता है। तो गाइस हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे। ये मेरा ही पेट्रोल पंप है, जानता कोई नहीं है। तो हाँ भी फुल कर दे भाई, फुल फुल बूंद बूंद बाहर आ जाना चाहिए टैंकी से, इतना तेल डाल दे भाई। भाई फुल कर देना, फुल टैंकी से बाहर आ जाना चाहिए। तो गाइस हमें पूरा फुल करवाने वाले हैं, ऐसे टैंकी से बाहर आएगा जैसे पानी गिलास से आता ना, ऐसे टैंकी से बाहर आ जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने तेल तूल डलवा लिया और टैंकी से बाहर आ रहा, इसलिए मैंने बंद कर दिया, दिखाया नहीं आपको, ठीक है? कहीं आप लोग घबरा ना जाए देख करके इतना तेल। और भाई तेरी वो भाभी जी कैसी हैं? मेरे पास बहुत है यार, कमी नहीं है, सब ठीक है। मैं भाई तेरे भाई की घरवाली की बात कर रहा हूँ, तो किस किस की बात करता है भाई? तेरा माइक के चोदो मां मेरे हम लोग मतलब पहुंचने ही वाले हैं। और मोटरसाइकिल जैसे हमने पीछे पार्किंग में लगा दिया, देखो भाई ये मतलब पूरे सुरक्षा में पुलिस वाले खड़ा रखे हैं, सेफ्टी सेफ्टी है। तो यहाँ पे भी गाइस देख सकते हो मतलब पूरा अच्छा मतलब प्रबंध कर रखा है। तो हाय गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी एंटर कर रहे हैं अंदर। अब मंदिर के अंदर देखते हैं भाई कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने ज्यादा दर्शक हैं। ओ नहीं, तो सारा देख रहे हो गाइस दूर दूर तक, वो सारा लाइन ही लाइन है। वो है हमारे महादेव भाई, बिजली बार की तरह भोले बाबा का नाम लेके भाई लाइन में लग तो गए हैं। बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। अब तो अभी तो भाई रात के बज रहे हैं 12:30। बस भाई कोई बात नहीं, बाबा तेरे दर पे आए हैं, मेरी वो पुरात पूरी कर दे। बस वो एक शख्स पता है ना बाबा, तो अंतर्यामी है, बाकी तो सब मुंह माया है। देख रहे हो गाइस लाइन, देख रहे हो भोले भोले। बहुत पैसा मेरे पास, अब मानी मेरे वॉलेट में। माँ कालिब की कृपा से 10K हैं, 10K। फॉलो नहीं करना इसको, मैं फॉलो थोड़ी नहीं करवाना ना। मेरा 473 हो गया। वीडियो में ही बोलना, बिना वीडियो का नहीं बोलते सालो।
गाइस लाइन में लगे हुए हैं और लगभग 4:30 हो गए हैं यार। अभी तो मतलब पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है, मतलब पहुंच जाएंगे 6 बजे तक बच जाएंगे, पता नहीं 7-8 तो बज ही जाएंगे शायद। और रात तो निकल ही गई वैसे। और एक ये अभी कैसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं तेरा बाप। खैर 4:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे के लाइन में लगे हैं और कोशिश जारी है कि दर्शन हो जाए। दर्शन के बिना तो मैं जाऊंगा नहीं, आपको पता ही है। तो शब्द बचे राहुल, तो बने रहो ब्लॉग में। पहुँचने ही वाले हैं बस, थोड़ा ही दूर। और भगवान का बुलावा आ ही गया, बाबा जी बुला रहे हैं। गाइस बैक साइड में जैसे ये मंदिर है और मतलब ये लास्ट रास्ता रह गया, अब इसके बाद तो दर्शन हो जाएंगे, बस पहुंचने वाले हैं। 10-20 कदम का रास्ता रह गया है, बने लो ब्लॉग में, अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। तो बाय बाय गाइस। तो गाइस ये देखो अंदर का व्यू है, ये मंदिर बनाया हुआ है और ये मतलब सारा मतलब शिव जी का ही मंदिर है सारा। और ये भी मंदिर है और बैक साइड में तो सारे शिव जी के जितने अवतार है ना, उन सबका मतलब ये सारा मंदिर बनाया हुआ है। और ये तो मेन मंदिर है जहाँ हमने मतलब जल चढ़ाया है, पूजा किया है। और इसके ना मतलब उधर नंदी जी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम जैसे कहते हैं ना कि नंदी भगवान के अगर हम कान में कुछ कहते हैं तो विश पूरी हो जाती है, तो वो चीज यहाँ बनाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये देखो इनके मतलब हम ये चीज़ें मतलब ऐसे सिर पे, और विश भी मांग सकते हैं। तो यही था गाइस कैलाश मंदिर का पूरा व्यू कि जो भी था हमने आपको दिखाया, जो भी है सारा कुछ। और ये संतोष भाई जो भागते हुए जा रहे हैं धागा बनवाने के लिए, धागा मैं भी बनवाऊंगा, तो बने रहो ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। तो गाइज हमने धागा भी बनवा लिया, तिलक भी लगवा लिया, ये देखो। और अब हम मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये बाहर जाने का रास्ता है भाई। उधर देखो लाइन, मतलब इसी लाइन में हम लग के वो पीछे से आए थे। और भाई संतोष भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा। और पीछे ये देखो शिव जी की मूर्ति, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरा फुल व्यू, तो बने रहो ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। तो गाइस यही है जो मतलब नलाज में मतलब बड़ा सारा मूर्ति बनाया है भगवान जी का, ये नंदी जी की मूर्ति है। और यही सारा कुछ व्यू था नलाज मंदिर का। कहते हैं ना कि मतलब कुछ दे करके कुछ ले लिया तो फिर वो प्यार थोड़ी ना है, वो तो जैसे कि कहते हैं कि फिर तो वो तो सौदा हो गया ना। और लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सोच समझ के प्यार करते ऐसे वैसे, तो भाई सोच समझ के तो शादी से होती है। प्यार तो भाई नज़रों का होता है कि बस जिस पे दिल आ गया बस उसी का हाथ पकड़ना है, ठीक है। अब भाई मुझे पता है कि भाई क्या हुआ और चाहे मैंने उसके लिए कितना किया या मैं कितना लोयल था या हूँ भी, ठीक है, वो मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, लोग जानते हैं। अब उसको चाहे लोग कुछ भी बोले, उसके माँ, उसके घर वाले, फ्रेंड, जो मर्जी है समाज, ठीक है। पर मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ जो मैं कहना चाहता था कि भाई प्यार उसके लिए कल भी दिल में था, आज भी दिल में है। और वो चाहे ज़िंदगी में जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, भगवान करे सक्सेस हो, अपने लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, उसको कभी भी किसी भी चीज़ की लोड़ पड़ जाए, मेरा नंबर वही है और मैं वही रखूँगा। एनी टाइम फ़ोन कर दे, उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है, ठीक है। बस यही कहना चाहता था, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना, मैं बोलता रहता हूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।